children, today we are going to learn quizzes. That is very interesting platform for assessment. It is in demand for assessment in education. हम student की assessment के लिए quizzes use करते हैं, कई और platform हैं, तो आज हम quizzes को सीख लेते हैं. अब teacher, आप being a teacher इसको use कर रहे हैं, बच्चों के लिए quiz prepare कर रहे हैं, तो आप कहाँ click करेंगे उसके बाद? For teachers पे. सबसे पहले मैंने quizzes टाइप किया, ये ऑप्शन आया, फिर फोर टीचर्स मैंने सेलेक्ट किया. उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा. सपोज अगेन मैं बाहर जा रही हूँ, फोर टीचर्स, अब ऑलरेडी अकाउंट है मेरा इस पर, तो मुझसे नहीं पूछा, आपसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप वहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा. अब यहाँ आप देख सकते हैं इस विंडो को, जब आप लॉगिन कर चुके होंगे, आपके सामने ये विंडो है, इसमें आप चूज़ कर सकते हैं किस सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं. मैं मैथ्स के लिए कर रही हूँ, तो मैंने मैथ्स को चूज़ किया, मैथ्स पे क्लिक किया. अब आपके पास ऑप्शन है, आप ऑलरेडी जो प्रिपेयर्ड हैं उनको यूज़ कर सकते हैं. उनको यूज़ करने के लिए आप किसी भी, सपोज मैंने फैक्टर वाला, या मैं यहाँ सर्च भी कर सकती हूँ लाइब्रेरी में कि मुझे कौन सा चाहिए, सपोज एवरेज चाहिए, तो मैंने इस पे ऊपर सर्च में एवरेज डाल दिया, तो एवरेज के जो भी क्विजेस प्रिपेयर्ड हैं वो आपको मिल गए. आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं. आपने किसी भी क्विज, सपोज मैं इसको यूज़ करना चाहती हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगी, और आपके पास फर्दर टू ऑप्शन है, लाइव क्विज, असाइन. लाइव अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उसी में आप क्विज करा रहे हैं तो आप इसे कर सकते हैं, और असाइन जब आप बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए भेज देते हैं. समटाइम्स अब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, सेम टाइम पे स्टूडेंट अवेलेबल नहीं होते तो उनका छूट जाता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसे असाइन कर देंगे. सपोज हम दोनों ऑप्शन देख लेते हैं. अगर हम लाइव क्विज पे क्लिक करें तो आपसे पूछेगा क्या कंटिन्यू करें, क्लासिक मोड पे कंटिन्यू. जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके पास कोड अवेलेबल हो जाएगा इसको, क्विज को कंडक्ट कराने के लिए. तो इस कोड को आप शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप पे आपके पास ऑप्शन है, या फिर आप इसको कॉपी कर लेंगे. जैसे मैंने शेयर पे क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ गए, व्हाट्सएप वगैरह जो जिस पे भी मैं चाहूँ शेयर कर सकती हूँ, तो जो भी है, जूम है, कुछ और है, सब पे ये हो सकता है, या फिर इस पे मैंने क्लिक किया और इसको कॉपी कर लूँगी मैं. आप देख सकते कॉपी लिंक, या फिर नीचे शेयर लिंक, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा. तो अगर ये भी यूज़ नहीं करना तो आपके नीचे इसमें कोड दिखाई दे रहा है, ये कोड, तो बच्चे वही क्विजेस उसमें डाल के, क्विज डाल के फोर स्टूडेंट्स में जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो कोड मांगेगा, वो कोड यहाँ वहाँ पर एंटर कर देना है, और जब वो एंटर कर जाएंगे आपके क्विज में तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विजिबल होंगे. तो जब आपके सभी स्टूडेंट्स एंटर कर जाएँ देन यू कैन स्टार्ट. तो ये तो लाइव क्विज का बता दिया मैंने आपको. अगर लाइव नहीं करना है, असाइन करना है, वो भी देख लेते हैं. जस्ट अ सेकंड, क्विज मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, क्विज यही, अगर स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करना है तो वो फोर स्टूडेंट में क्लिक करके कोड एंटर करेंगे, और आप अपने लिए स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फोर टीचर्स में आपने क्लिक किया, आपसे वो गूगल अकाउंट से लॉगिन करने के लिए बोलेगा, आपने कर लिया. उसके बाद आपसे सब्जेक्ट पूछा गया है, आप सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे या फिर आप लाइब्रेरी में सर्च कर लेंगे. दैट इज़ वेरी इजी, आपको प्रिपेयर भी नहीं करना पड़ा और रेडीमेड मिल गया आपको. अब यहाँ पे जो मैंने एक बार दोबारा दिखा रही हूँ, ये जो थ्री लाइन्स हैं इन पर क्लिक करके आपने जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो माई लाइब्रेरी में मिलेंगी, जो रिजल्ट्स है रिपोर्ट्स में मिलेंगे, तो आप यहाँ से उन्हें चेक कर सकते हैं. ये मैंने जो भी करवाया, जो अभी प्रिपेयर कर रही हैं यहाँ पर, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं.
उनके रिजल्ट्स रिजल्ट्स में मैंने नए वाले में बनाया था। और ये देखिए अब ये नीचे आ गया है, वही वाली लाइब्रेरी और रिपोर्ट्स का नीचे आ गया। रिपोर्ट्स में आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे, तो रिपोर्ट्स पे अभी हमने इनको करवाया नहीं, मैंने नई आईडी पे आपको करके दिखाया था बनाने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जीरो पार्टिसिपेंट्स, मैंने इसको अभी आपको लाइव बना के दिखाया था, तो अभी स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर नहीं किया था, किसी ने इसे किया नहीं है, तो यहाँ पे जीरो पार्टिसिपेंट्स। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट भी देख सकते हैं। ओके, अब एक्सप्लोर करना है और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैथ्स को टीच करेंगे। मैथ्स पे क्लिक किया, ऊपर सर्च क्विजेस लाइब्रेरी, उसमें आप सर्च कर सकते हैं। वन मोर, मैंने फैक्टर ले लिया। अब मैंने असाइनमेंट का बता रही हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है डायरेक्ट, यहाँ पे कॉपी एडिट एडिट कर सकते हैं, कॉपी करके अपना बना सकते हैं और यहाँ से असाइन कर सकते हैं उसमें। तो असाइन के लिए मैं क्या करने जा रही हूँ, असाइन पे क्लिक किया। तो ये वाला जो था, जिसने भी प्रिपेयर किया है, अब ये पेड है, ये असाइन नहीं हो सकता। लाइव क्विज के लिए भी उसने इसको पेड रखा है, तो इसे हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरा ले लेंगे। कुछ पेड रहते हैं, ये सपोज मैंने परसेंटेज ले लिया, यहाँ से मैंने इसको लाइव, हम इसे कॉपी एडिट कर सकते थे प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंटेशन थी, तो ये लाइव हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से असाइनमेंट के लिए दिखा देती हूँ मैं आपको। सपोज टेबल्स का ले लिया मैंने, मैं यहाँ से असाइन करने जा रही हूँ। असाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे डेडलाइन आपने दे दी, सेलेक्ट कर लेंगे जो भी डेडलाइन आपको चाहिए। इसको जुलाई, 3rd जुलाई, ओके, इसको लेट तक कर लेते हैं, 12th जुलाई, तो ये टाइम हो गया। असाइन पे क्लिक करेंगे, असाइन, अब क्या करेंगे उसके बाद, अब आपके पास ये लिंक आ गया है, इसे शेयर कर देंगे। ओके, तो इस तरह से आप क्विजेस प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड को यूज़ कर सकते हैं, लाइव करा सकते हैं और असाइनमेंट भी शेयर कर सकते हैं। तो ये आई थिंक क्लियर टू ऑल, सो लेट्स एंड टुडेज क्लास।